फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और सारी गाड़ियां देखिए आप देख सकते हैं बाहर जा रही है। हम वहां से चल के यहां से घूम के इधर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं शिप देखिए कितना बड़ा था। ये साइड से मैं निकाल रहा हूं आपको। ये है एरिया, यहां से हमने एक स्कूटी है एक स्कूटी वो ये कैसी से भाई एक ही जगह जाने से पहले हमें ये दिखाना है। देखो ये है सुपारी का पेड़ और ये देखो ये दिखेंगे आपको पता ही है नारियल का पेड़। यहाँ पे पेड़ तो है नहीं कोई भी यार, सब खाली लग रहा है। इन दो को छोड़ के यार बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब फीचर है खाली। तो यार फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और सारी गाड़ियां देखिए आप देख सकते हैं बाहर जा रही है और अब हम भी नीचे जा रहे हैं और फिर अब हम जाएंगे आगे स्कूटी लेने के लिए। तो मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा कि कहां पे क्या क्या मिलता है। तो लेट्स गो। तो फर्स्ट रिएक्शन है कि काफ़ी ही अच्छा लग रहा है मेरे को तो देखने में और ये देख सकते हैं थोड़ा ह्यूमिडिटी है तो बाकी कुछ नहीं है। ये हमारी नाव यहाँ पे खड़ी है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधा उधर जाएंगे मार्केट। मेन एरिया वहाँ पर है और ये काफ़ी पहाड़ों वाला एरिया है और काफ़ी अच्छा है, अच्छा लग रहा है अभी फर्स्ट इंप्रेशन। तो अभी आगे जाके देखते हैं कि कैसा सिस्टम होगा। क्या शांत एरिया, एकदम शांत एरिया है, लेकिन मेरे आते अब शोर मच जाएगा ना पूरा। मैं आ गया हूँ तो शोर मच ही जाएगा। तो यार हम वहाँ से चल के यहाँ से घूम के इधर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं शिप देखिए कितना बड़ा था। ये साइड में से मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। जो जगह थी उस जगह का नाम है मांडवा प्रवासी टर्मिनल। ये देखिए मांडवा, ये मांडवा टर्मिनल पे हम आ गए हैं। अभी हम जो है ऑटो में बैठ चुके हैं और यहाँ से अगर आप पर बंदा लेके जाएंगे तो 100 रुपये लगेगा। अगर आप अपना फिक्स करके जाएंगे पर्सनल लेके जाएंगे तो आपको पड़ेगा ये 500 रुपये, 550 ऐसे रेट है। बाकी डिपेंड करता है कितनी आगे आप जाते हैं और मौसम जो है काफ़ी अच्छा हो रहा है, अभी बारिश होने लग गई है तो ऐसा है सिस्टम। तो बाकी हम भैया के साथ जा रहे हैं, हमें छोड़ेंगे ड्रॉप करेंगे और बाहर मौसम तो काफ़ी अच्छा है। अभी हमें स्कूटी रेंट पे लेनी है तो रेंट पे देखते हैं क्या है वहाँ का हिसाब और लेके चलता हूँ मैं आपको। लेट्स गो। अलीबाग हम पहुंच चुके हैं। पहुंच के मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ना ऋषिकेश में घूम रहा हूँ। ऋषिकेश में होता है ना पूरी भीड़ होती है और फिर स्कूटी के लिए लगा रहता है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। ये स्कूटी रेंट पे लेने के लिए आप देख सकते हैं, ये यहाँ से मैं लूँगा अभी स्कूटी, तो चेक करते हैं क्या है रेट। यार ये है एरिया, यहाँ से हमने एक स्कूटी है एक स्कूटी वो, तो दो स्कूटी हमने ले ली है और दोनों स्कूटी का रेट हमें पड़ा है नेगोशिएशन के बाद 900 रुपये। और ये है अभी हमें यार होटल वगैरह भी लेना है क्योंकि हमारे साथ कुछ सीन हो गया था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी पहले स्कूटियाँ उठाते हैं फिर चलते हैं होटल पे और रेट मैंने आपको बता दिया, यही है रेट। तो चलिए यार अब हम पहुंच चुके हैं अलीबाग में और हमने अपने लिए रूम भी ले लिया है, तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ रूम कैसा है बाहर से। तो यहाँ से एंट्री शुरू होती है और इग्नोर करें बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है उसको। ये लोग यहाँ पे, ये एक सिंगल बेड है, ये हमने दो अलग से ये लगा लिया है। अंदर वॉशरूम है, वॉशरूम है, ये मेरे कपड़े सूख रहे हैं और ये बालकनी है और ये स्विमिंग पूल है यहाँ पे जहाँ पे हम अभी जाएंगे। और ये सामने व्यू है। तो ये जो रूम है ये रूम हमें पड़ा है 2500 रुपये का और क्योंकि सस्ता पड़ा है हमें ये। इसमें डिनर इंक्लूड है।
डिनर इंक्लूड रहेगा इसमें जैसा कि पीछे बताया जा रहा है, तो एसी भी है, तो अभी चलते हैं। पंखा भी है और ये लाइट है और एक पानी की बोतल फ्री है। तो ये था होटल का टूर जो मैंने आपको दिया, काफ़ी बढ़िया है ये। और अगर आप भी आएंगे तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दूंगा, आप आ सकते हैं यहाँ पे, और मेरा अगर नाम लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा शायद से। A few moments later. तो यार मैंने ऊपर से तो आपको दिखा दिया था, मैं भी थोड़ा सा नीचे से दिखाता हूँ आपको। तो ये इसका है स्विमिंग पूल का एरिया, ये वाला, ये अंदर किचन है, ये मम्मी ये सामने से है हमारा वो वाला है, ऐसे ही एक इधर भी है, ऐसे बड़े सारे रूम है यहाँ पे। तो पर जाके देखते हैं अंदर। तो पानी आप देख सकते हैं कितने यहाँ तक है, और थोड़ा शावर ले लेते हैं क्योंकि खाना वाना मैंने ऑर्डर करवा लिया है, थोड़ा सा स्विमिंग वगैरह करते हैं फिर उसके बाद खा पी के फिर निकलना है। तो यहाँ पे मैं सेट करता हूँ ऐसे, बस गिर ना जाए। ये देखो मतलब इसी के नीचे है ये पूरा, और बाकी सामने व्यू है। तो ये है, नाना धोना करना है। तो ये है स्विमिंग पूल का सीन यहाँ का, मैंने सोचा एक बार आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छा लगा। तो अब यही था ब्लॉग का, अभी थोड़ा खाना वाना खाने चलते हैं ऊपर, फिर देखते हैं शाम को सीन। तो यार नहा धो के मैं ऊपर आ चुका हूँ और हमारा जो लंच है वो भी आ गया है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है लंच में। आज हमने मंगाई है रोटियाँ बढ़िया सी, पनीर की सब्जी, दाल, और ये देखिए आप देख सकते हैं। तो अभी का क्या करते हैं ना, लंच करते हैं जल्दी से फिनिश, फिर उसके बाद हमें जाएंगे शाम को बीच एरिया में, तो मैं आपको बीच एरिया दिखाऊंगा। तो चलिए करते हैं लंच। खाना वगैरह हमने खा लिया है और अब ये मैं तो नहा लिया था, तो अब ये लोग नहाने के लिए जा रहे हैं स्विमिंग पूल में। ऋतिका को देख के जा रहा था, जा ऋतिका ए, ये डुबकी मार गई है, ये डूब गई। अबे जाओ ना, इतना क्यों डर रहे हो, जाके देखो ना। मैं तो यार ऑलरेडी नहा चुका था इसलिए मेरा मन तो कर नहीं रहा नहाने का। ये कैसी जगह है, एक ही जगह खड़ी। ये स्विमिंग कैसी है, एक ही जगह खड़े हो गए, एक ही जगह। तो मेरे को तो आती है स्विमिंग बहुत अच्छे से, इन लोगों को नहीं आती है, तो ये लोग नूब है। मैं भी अब आ चुका हूँ पानी के अंदर, ये अरे आज मैं इन सबको स्विमिंग सिखा रहा हूँ। मम्मी को देखो भाई, मम्मी फर्स्ट, ये एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम स्विमिंग पूल का लिया जा रहा है मम्मी द्वारा। मम्मी डेवरा आपने भी पहली बार है, मैं तो स्विमिंग में रहता हूँ, बॉर्न इन वाटर, इन बॉर्न इन वाटर इन वाटर। तो ये स्विमिंग यार ऐसा सीन है। तो यार स्विमिंग पूल में तो नहा लिया, अब हम जा रहे हैं समुद्र में नहाने, क्योंकि नहा तो रही हैं, तो बीच में चलते हैं नहा के आते हैं, देखते क्या है, पहली बार लेके जाते हैं मम्मी और को। जाने से पहले यार मैं ये दिखाता हूँ, देखो ये है सुपारी का पेड़, और ये देखो ये दिखेंगे आपको पता ही है नारियल का पेड़। तो नारियल के पेड़ ये काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। तो यार ये है हमारा होटल जहाँ पे हम रुके हैं, पैराडाइज रॉयल, रॉयल पैराडाइज। और अब हम जा रहे हैं बीच में, वॉकिंग डिस्टेंस है ज़्यादा से ज़्यादा 300 मीटर बता रहे हैं, तो वॉकिंग ही चलते हैं, थोड़ा बहुत नज़ारों के मज़े भी ले लेंगे, बस कोई हमसे मज़े ना ले ले। और बाकी ये सब वही सेम पल्टन है, कुछ चेंजेस नहीं है, सेम वही लोग हैं, वही चेहरे हैं, लेकिन जगह और डेस्टिनेशन अलग होगी। बाकी ध्यान से फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे, मैं तो इन्हें क्या ही रहा था स्कूटी लेके चलो, लेकिन मेरी समझ नहीं है ना यार, यही व्यू के मजे के चक्कर में मैं स्कूटी में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो ये स्कूटी स्कूटी कर रहे थे। Wait a minute.
मैंने क्या ही रहा था स्कूटी लेके चलो। अरे सुधरो रे अभी तो सुधर जाओ। कितना अच्छा लग रहा है, ऊपर से पेड़ है, नीचे जमीन है, सामने बारिश है और तुम्हारे सामने मैं हूँ। आप कौन? तो मेरे पीछे चलिए, आपको आगे मैं बीच का व्यू दिखाऊंगा। लेट्स गो। तो यार बारिश हो रही है लेकिन हम बारिश में जा रहे हैं क्योंकि वैसे भी भीगना भीगे हुए तो ही है। स्विमिंग में हम नहा गए थे तो अब हम सीधा जा रहे हैं डेस्टिनेशन में। व्यू काफ़ी अच्छा हो रहा है, देखते हैं। आप व्यू आपको दिखाता हूँ मैं। वहाँ से हमने लेफ्ट ले गया था, अब ये सीधा सीधा रास्ता है बीच का। और यहाँ पे खाने पीने की भी दुकानें हैं काफ़ी सारी, ये देख सकते हैं। ये सारी काफ़ी सारी जो दुकानें वो तो बंद है लेकिन मैक्सिमम दुकानें खुली हुई दिख रही है मेरे को। अरे देखा कुछ खाएगी, आप खा सकते हो। मछली देखा, मछली मिलेगी, मछली खा सकते हैं आप। मच्छी, ये है मच्छी की दुकान। बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर, कुछ जगह बंद है कुछ कुछ जगह खुली है। और सामने मेरे को दूर से दिख रहा है बीच, तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बीच का करेंगे मैं और मम्मी, तो चलिए चलते हैं। तो यार मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं अभी मैप में दिखाऊंगा आपको किस जगह जा रहे हैं और यहाँ से वो बीच कितना बड़ा है। सीधा कनेक्टिविटी है इसकी सऊदी अरेबिया की और हवा बहुत तेज़ चल रही है तो मेरी आवाज़ शायद ना आए। तो चलिए पहुँचने वाले फर्स्ट इम्प्रेशन। मुझे ऐसा लग रहा है शायद बंद है अभी, यहाँ आती हवा बहुत तेज हो गई है, अभी जा नहीं पाएंगे मेरे को लग रहा है वहाँ पे। यार यहाँ पे भीड़ तो है नहीं कोई भी, यार सब खाली लग रहा है इन दो को छोड़ के। लग तो बस तरह है लेकिन मेरे को लगना नहीं है शायद जा रहे हैं इधर लोग, कोई भी नहीं जा रहे हैं, सब खाली है। तो भाई ये पहला कदम मेरा पड़ चुके हैं यहाँ पे। ये पानी का रेत है, ये देखो। अजीब सा ही लग रहा है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग ही हैं। अभी ना मौसम काफ़ी ख़तरनाक हो रहा है तो आप समुद्र की लहरें देख सकते हैं कितनी तेज़ है, इसलिए भाई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना हमें। उधर ऐसे लोग चलते हुए तो दिख रहे हैं, वहीं पर ही चलेंगे। मज़ा तो आ रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है अजीब सा डर लग रहा है, अजीब सा है ना, खाली बीच और उतना ऐसा लग रहा है सामने सामने से पूरा खाली है तो डर भी लग रहा है मज़ा भी आ रहा है क्योंकि ये अभी लो टाइड पर चल रहा है और यहाँ पर तक पानी होता है, यूजुअली यहाँ तक पानी होता है, अभी समुंदर एकदम पीछे तक जा चुका है। और ये चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, ये देखो ये मैंने यहाँ से उठाया और ये देखिए मेरे को क्या मिला। शीप ये देखिए बाबा ब्लैक शीप, ये देखो ये सीप है, ये देखिए अगर ढंग से दिख रहा होगा इसमें तो आपको ये। तो चलिए आगे चलते हैं, लेट्स गो। ये भी हमारे साथ घूमने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है तुम्हें, मजा आ रहा है? हाँ ये रितिका को रितिका के दोस्त मिल गए इसके जैसे। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब कि बीच ऐसा है खाली बीच। आजा 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 आजा, तो ये ना खाली बीच मतलब मज़ा आ रहा है, हवा बहुत तेज चल रही है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, डर भी लग रहा है लेकिन मज़ा भी आ रहा है।
आगे तक पानी जाएगा। अब देखो ये पानी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो अभी हमें निकलना पड़ेगा क्योंकि दिक्कत हो सकती है हमें बहुत ज़्यादा, और हमें दिक्कत से बड़ी दिक्कत है। तो अच्छा लग रहा था, लेकिन ये है कि मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा है, फिर भी अच्छा है, फोटोज़ वगैरह काफ़ी अच्छी आई है इस वाले एंगल पे, खास करके ये एंगल जो है ना काफ़ी है खतरनाक है। अरे जी ये वाला एंगल खतरनाक है ना, थंबनेल में आई है तो यार बहुत मजा आया, मेरे को तो पहली बार था, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था, काफी खाली खाली था तो इसलिए थोड़ा शांति थी, इससे अच्छा भी लग रहा था। तो अब वापस जा रहे हैं हम लोग अपने होटल की तरफ, थोड़ा नहाना धोना करेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, बारिश तो हो ही रही है।